हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घिया और केले के कोफ्ते। कोई हम एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल से अपने मसालदानी के 6-7 मसालों से हम ग्रेवी बनाएंगे और ये डिफरेंट सी रेस्टोरेंट स्टाइल डिश रेडी करेंगे। चलिए सीखते हैं। मैंने ली है घिया, लगभग ये होगी 250 ग्राम के करीब घिया ली है और मैं इसमें लूँगी 2 केले। हम आज बनाएंगे इसके कोफ्ते। पहले मैं घिया छीलूंगी। कैसे मैं कच्चे केले को भी छील लूंगी। पूरा ग्रीन पार्ट हमें हटा देना है, अंदर का वाइट पार्ट हमें चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, मैंने लिए हैं 2 केले और लगभग 250 ग्राम के करीब घिया। ये हमारा रेडी हो गया। मैंने घिया कस छील ली है और ये देखिए मैंने दोनों बनाना भी छील लिए हैं। अब हमें घिया कस लेना है। इसका मोटी वाली साइड से हम घिया को कद्दूकस करेंगे। केले को भी इसी तरीके से कद्दूकस करेंगे। बाउल में लेंगे हम घिया को और केला जो हमने कसा था वो एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें डालूंगी मैं एक छोटा टुकड़ा अदरक कस के। लीजिए, हमारी अदरक भी इसमें गई। अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने ये छोटी वाली चम्मच ली है, 1 चम्मच के करीब इसमें नमक गया, 1 चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च गई। बस सिर्फ नमक और मिर्च डालेंगे इस टाइम पे हम। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें अपना ही एक पानी होता है। अब हमें इसे बाइंडिंग देना है। अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे बेसन। अब इसमें बेसन कितना जाना चाहिए, अभी मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। अगर मुझे लगेगा कि बाइंडिंग के लिए अभी हमें और बेसन की नीड है तब हम और बेसन डालेंगे, अदरवाइज नहीं। ये देखिए, हाँ ये गीला है अभी, ये बंधेगा नहीं, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच बेसन और डाल रही हूँ। टोटल मिला के ये देखिए 4 चम्मच बेसन गया, 250 ग्राम घिया थी और 2 हमारे नॉर्मल साइज के बनाना थे। अब ये हमारा ठीक है। ये देखिए, अब ये बाइंडिंग हो जाएगा इजिली ऐसे। अब हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। किया, अब ये कोफ्ते हम क्या लेंगे, मैंने ये टेबल स्पून जो हमारी मेजरिंग स्पून होती है मैं वो लूंगी। देखिए, मैं एक साइज के हमारे कोफ्ते बने, इसके लिए हमें क्या करना है, ये स्पून से लिया और इसको छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि हमारे कोफ्ते एक साइज के बनेंगे। ये देखिए, ऐसे लिया और इसको छोड़ दिया। इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे कोफ्ता बने हैं। इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर जिन्हें मैंने आधा आधा काट लिया, 3 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करें एक परफेक्ट ग्रेवी बनाने के लिए। ये डेली रूटीन में आप जो घर का खाना बनाते हैं वो आप बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये एक ग्रेवी वो मैं आपको बताऊंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के खरबूजे के बीज। आप चाहे तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, थोड़ी रिचनेस आ जाएगी। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमारी टमाटर प्यूरी रेडी।
लिया है पैन, पैन में जाएगा थोड़ा सा देसी घी लगभग एक छोटी चम्मच, क्योंकि हमारे कोफ्ते फ्राइड है इसलिए हम ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर जाएगा जीरा, थोड़ी सी हींग। आज की ग्रेवी में मैं कोई साबुत मसाला कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल मसालों से आपको ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी। हमारी टमाटो प्यूरी, टमाटर प्यूरी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 स्पून हल्दी, नमक आधी चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसमें जाएगा एक चम्मच धनिया, मैं छोटी चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आधी चम्मच गरम मसाला, ये जो टीस्पून होती है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको तीखा पसंद है तीखा करिए, कम तीखा पसंद है। अब हम इसे कुक करेंगे, जब तक ये टमाटर साइड से घी वगैरह नहीं छोड़ देता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, हम इसे कुक करेंगे। होने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही, एक चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाला है। हमारा टमाटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी लगभग आधी कटोरी के करीब दूध। अब मैं इसे पकने दूंगी, हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। कोफ्ते इसके अंदर डाल दूंगी, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये कोफ्ते पानी सोखेंगे और अभी हम इनको ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। कोफ्ते डालने के बाद मैं इन्हें 5 मिनट के लिए और ढककर छोड़ दूंगी। इसमें मैं थोड़े से कलर लाने के लिए दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए कोफ्तों की रंगत देखिए, और कोफ्तों ने जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था सारा सोख कर लिया। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। डिलीशियस से दिखने वाले कच्चे केले और घिया के कोफ्ते, कोई हमने एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, डेली बनने वाली रूटीन में जो हम मसाले यूज़ करते हैं वो करके सिंपल से मसालों से हमने बनाई है एक यूनिक रेसिपी। ऊपर से आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मैं अमूल की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये आपके केले के कोफ्ते, घिया के कोफ्ते रेडी।